आज बोल के लब आजाद है तेरे में एक बहुत अहम सवाल। क्या वाकई 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कोई लेना देना था, या फिर हर इंसान, हर एजेंसी, हर बिजनेस हाउस, हर न्यूज चैनल और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए इस पावन अवसर को साध रहे थे? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाब आजाद में तेरे। आज इस कार्यक्रम में मैं इस बात को बहुत आसान लफ्जों में सबूतों के साथ प्रमाणित करने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको टाइम्स स्क्वायर, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर का एक नजारा दिखाना चाहता हूं। वहां जो भारतीय बसे हुए हैं ना, वो लोग नारे लगा रहे हैं कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं उसकी एक झलक सुनाता हूं आपको, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनते हैं। मैं इन मासूम एनआरआई से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब जबकि भारत में रामराज्य है, तो क्यों ना तुम अपनी नागरिकता को त्याग कर भारत में आके बस जाओ? या फिर जो लोग भारत छोड़कर वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और इस भीड़ में शामिल थे, उन्हें तो अब भारत आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां तो रामराज्य है ना, यहां पर अमृतकाल चल रहा है। वहां पर बैठकर कमाई करके भारत के बारे में टिप्पणी करना, और वो भी इस तरह की टिप्पणी करना जो हमने सुना है, बहुत आसान है। भारत में आओ, भारत में खपो, यहां की मिट्टी में सन कर काम करो। वहां पर बैठ करके बातें करना बहुत आसान है। मैंने कहा ना दोस्तों, राम के नाम पर हर पक्ष अपनी राजनीति खेल रहा है। और अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। 22 जनवरी को हर साल मनेगी राम दिवाली। बहुत महान बात कही आपने, बहुत अच्छी बात की है। 22 जनवरी को राम दिवाली मननी चाहिए। राम दिवाली यानी राम, राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी सबक, उनकी सीख, उनकी शिक्षा। आपका एक न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल के कम 2 पत्रकारों पर पुलिस केसेस चले थे, दंगा भड़काने को लेकर, समाज में अराजकता मचाने को लेकर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका जो न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल में जो एंकर्स हैं, जो पत्रकार हैं, क्या उन्होंने कभी भी राम से कुछ सीखा है, राम की शिक्षा से कुछ सीखा है? क्योंकि देखिए, जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में निहित है न्याय यानी इंसाफ, राम राज्य में निहित है बराबरी, राम राज्य में निहित है जवाबदेही, राजधर्म। सबसे बड़ी बात, क्या आपका चैनल कभी सत्ता को जवाबदेह बनाने की कोशिश करता है? वो तो सत्ता का जरिया बन गया है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने का जरिया बन गया है। और आप इतनी महान महान बातें कर रहे हैं कि भाई 22 जनवरी को राम दिवाली मनाई जाए, मगर राम की जो शिक्षा है उससे आपके न्यूज चैनल का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें इंसाफ होगी, महिला सम्मान होगी, जवाबदेही यानी राजधर्म होगा, यानी कि जनता के सवालों का जवाब होगा। मगर आपके न्यूज चैनल्स ये मुद्दा कभी नहीं उठाते हैं, क्यों? न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। कल न्यूज चैनल्स के सिर्फ 2 मकसद थे। पहला मकसद, भाजपा के लिए वोट बटोरो, और दूसरा मकसद, विपक्ष को गाली दो। एक एक करके दोस्तों, हर न्यूज चैनल की बात मैं आपके सामने करूंगा। सबसे पहले देखिए आज तक पर, अयोध्या में जब सुनाने लगे अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों का दर्द, क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से नए युग की शुरुआत हो रही है? ये वो एक्टर है जिसने कश्मीरी फाइल्स में काम किया था, जो भाजपा की एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। कश्मीरी पंडितों के नाम पर इन्होंने कमाई की। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में जब बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब क्या इन्होंने उन कश्मीरी पंडितों का दर्द उठाया था, उनसे मुलाकात की थी?
भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट बटोरती है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या खुद प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री अमित शाह किसी भी रिहायशी शिविर में जाकर किसी कश्मीरी पंडित से मिले हैं? हाल ही में जब कश्मीरी पंडितों को घाटी में मारा जा रहा था बेरहमी से, तब क्या अमित शाह जाकर उनसे मिले थे? क्या श्रीमान अनुपम खेर ने यह मुद्दा उठाया? नहीं, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, और सोहबत भी एक निहायत ही महान इंसान की मिल रही है। आगे देखिए दोस्तों, प्रोपेगेंडा के नाम पर राम लहर पर सवार बीजेपी का हो गया है बेड़ा पार, विपक्ष चूक गया एक बड़ा मौका। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी न्यूज चैनल ने जो इस तरह के दावे कर रही है, कभी यह सवाल पूछा कि इस मंच को, इस आयोजन को भाजपा सिर्फ अपने वोट बटोरने का जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? शंकराचार्य की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी गई, उल्टा ऐसे न्यूज चैनल्स ने उनके खिलाफ, भाजपा के प्रचार तंत्र ने उनके खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया। आगे देखिए साहब, मोदी की राम तपस्या संकल्प से सिद्धि तक, राम तंत्र से चलेगा राजतंत्र, अयोध्या सरकार राम से राष्ट्र, मैं राम भक्त मोदी बोल रहा हूं, राम आग नहीं ऊर्जा है राहुल समझेंगे, राहुल गांधी को समझा रही है। कल राहुल गांधी को असम में परमिशन होने के बावजूद, अनुमति होने के बावजूद एक मंदिर में घुसने से रोका गया। हेमंत बिस्व शर्मा सरकार को ऐसे चला रहे हैं जैसे उनकी अपनी मिल्कियत है। बपौती शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं, करूंगा नहीं। क्या राहुल को समझाने वाला यह मीडिया इस मुद्दे को उठाएगा कि अनुमति होने के बावजूद असम के एक मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा? आप 24 घंटे प्रधानमंत्री का गुणगान करते हैं। कल जो पूरा आयोजन था, यजमान थे अनिल शास्त्री, उनकी तस्वीर आपने कहां देखी? आपने सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर देखी। तो ऐसे में इसमें राम का गुणगान कहां है? इसमें राम की प्राण प्रतिष्ठा कहां है? इसमें जो दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। राहुल को समझाने वाले क्या ये सवाल उठाएंगे? कभी नहीं उठाएंगे। आगे देखिए साहब, और क्या क्या चल रहा है। सवाल पब्लिक का, 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया, जिसका फैसला करने के लिए कोई कोर्ट नहीं चाहिए। अब कुतुब मीनार तोड़ रहे हैं, कल को ताजमहल पर भी इनकी कृपा आ जाएगी। ये यहां नहीं रुकने वाले हैं। आगे देखिए साहब, राम मंदिर के लिए पीएम मोदी ने की थी 11 दिनों की तपस्या, संत समाज ने की तारीफ। फिर देखिए मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल राम राज्य की बात कर रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, राम राज्य की सबसे बड़ी बात है जवाबदेही। राम अपने नागरिकों की सुनते थे, बेशक वो नागरिक उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें मृत्युदंड नहीं दे दिया करते थे, उन्हें जेल में नहीं फेंक दिया करते थे। ये है राम राज्य। मुकेश अंबानी जी का न्यूज चैनल जब राम राज्य की बात कर रहा है, तो क्या इस बात का जिक्र भी किया गया है? फिर देखिए साहब, मोदी के मस्तक पर सनातन का राज तिलक, राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? आगे बहुत आसान है, न्यूज चैनल छोड़िए, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता को आप ज्वाइन कर लीजिए, और आपको न्यूज चैनल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज चैनल में रहते हुए भाजपा के दफ्तर में जा सकते हैं, आगे आपके लिए यही रास्ता है, क्योंकि आपका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं। आप पर दंगा भड़काने को लेकर केसेस दर्ज होते हैं, और फिर भी आपकी नौकरी बनी रहती है। जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं, वाजिब सवाल करते हैं, नौकरी पर तो उनकी बनाती है। आपको तो यह सोचना भी नहीं चाहिए कि आगे का रास्ता क्या। उसी तरह से दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स के तेवर देखिए, तपस्वी मोदी की श्रीराम वाली क्रांति, नए भारत के रामराज्य का मोदी दर्शन, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तुलना स्वामी विवेकानंद के भाषण से क्यों हो रही है? आज प्रधानमंत्री को कोई विष्णु का अवतार बताता है, ये लोग प्रधानमंत्री की तुलना स्वामी विवेकानंद से कर रहे हैं। राजनीति कहां हो रही है यहां पर? ये लोकतंत्र के गुण कैसे हो सकते हैं? किस निगाह से आपको ये लोकतंत्र दिखाई देता है?
जहां जो व्यक्ति जवाबदेह है उसे ईश्वर का दर्जा दे दिया जाता है, उसे किसी अलौकिक शक्ति का दर्जा दे दिया जाता है। क्यों, समझाइए मुझे आप लोग। ये देखिए, आ गए श्री राम, क्या 24 में मिलेगा इनाम। मुद्दा बस यही है दोस्तों, इस एक पंक्ति में आ गए श्री राम, क्या 24 को मिलेगा इनाम, बस और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सारा खेल 2024 के लोकसभा चुनावों का है, बस और कुछ नहीं। सारा खेल है कि प्रधानमंत्री को ईश्वर तुल्य बना दिया जाए, भगवान जैसा बना दिया जाए और बाकी सब बौने हो, बाकी सब खलनायक हो। शीतलहर के चलते आडवाणी जी अयोध्या नहीं पहुंचते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कहीं पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीर देखी? देश के गृहमंत्री अमित शाह कहां थे? किस मंदिर में क्या दर्शन कर रहे थे? यह सब बतलाता है कि राजनीति के नाम पर एक व्यक्ति का महिमा मंडन किया जा रहा है, उसे भगवान के तौर पर पेश किया जा रहा है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिकॉज डेमोक्रेसी, बिकॉज लोकतंत्र इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। लोकतंत्र मतलब जवाबदेही। जब इस तरह के कार्यक्रम न्यूज शोज किए जाते हैं तो जवाबदेही को खत्म किया जाता है। जब प्रधानमंत्री की तुलना विष्णु, स्वामी विवेकानंद, अर्जुन, कृष्ण इन तमाम लोगों से किए जाते हैं तो जवाबदेही खत्म की जाती है। सिर्फ मीडिया नहीं, याद कीजिए, जगदीप धनकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तुलना गीता काल से कर दी थी, जबकि वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल राजधर्म के मायने पर, जवाबदेही के मायने पर फेल हो जाता है, क्योंकि 10 साल में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं कर सके। आपने इंटरव्यूज दिए तो अपने चाटुकारों को, जो आपसे सवाल करते हैं कि आपके बटुए में क्या है, जो आपसे सवाल करते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, जो आपसे यह सवाल करते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या जूस के खाते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है अभिसार शर्मा के सामने बैठकर सवालों का जवाब दें। आप सिर्फ हमें टारगेट कर सकते हैं, हम पर निशाना साध सकते हैं, अनर्गल केसेस दायर कर सकते हैं, मगर सीधे सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।